अयोध्या में भी कल से माँ दुर्गा पूजा की धूम मच रही है। माँ दुर्गा पूजा के लिए पंडालों की व्यवस्था अंतिम चरण में है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति व रामलीला समन्वय समिति की संयुक्त बैठक में जानकारी दी गई कि जनपद के 1150 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से फैजाबाद शहर में 152, अयोध्या नगर में 54, रुदावी में 187 समेत जनपद में 1150 स्थानों पर पंडालों में माँ दुर्गा विराजेगी। आपको बता दें, कल नवरात्र के पहले दिन से ही फैजाबाद शहर में 23 और पूरे जनपद में 900 स्थानों पर दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। तेज दुर्गा पूजा प्रतिमाएं समाप्ति के 3 दिन पहले शुरू होती है। जनपद में लगभग 100 स्थानों पर रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। दुर्गा पूजा पर रामलीला को शाखोत्सव सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है, सुरक्षा के लिहाज से भी मुस्तैद है। नगर निगम पावर कॉर्पोरेशन पीडब्ल्यूडी, जल निगम व अन्य संबंधित विभागों को भी सभी कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इतनी जो है मूर्तियां जो है बताएंगे, अयोध्या जनपद में नवरात्र के प्रथम दिन से फैजाबाद नगर में 23 स्थानों पर, शेष ग्रामीण में 900 स्थानों पर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं की स्थापना होगी और पूरे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में आज से रामलीला का कार्यक्रम चालू हो चुका है। लगभग 100 स्थानों पर रामलीला का मंचन आज से चालू हो जाएगा। फैजाबाद नगर में 7 स्थानों पर, अयोध्या में, इसके अलावा रुदौली, बीकापुर, प्रत्येक तहसीलों में रामलीला का मंचन आज से चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रुदौली, बीकापुर, मिल्कीपुर, सुहावल, गुसाईगंज में बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही अच्छे अच्छे पंडाल बनाए जा रहे हैं। फैजाबाद नगर में चौक, राम जानकी मंदिर, गणेश नगर मकबरा, नाका हनुमानगढ़ी, नाका चुंगी, रिकाबगंज, यमुनिया बाग से लेकर तमाम जगहों पे बड़े बड़े पंडाल, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से कमेटी के पदाधिकारी, जो भारी भीड़ आती है, हमारी महिलाएं बच्चे आते हैं, उनको क्रमबद्ध लाइन में लगवा कर दर्शन कराते हैं, भंडारे का प्रसाद उनको ग्रहण कराते हैं और इसी प्रकार से रामलीला स्थलों पर बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। हमारा जैसे रामलीला है, टकसाल की रामलीला है, कोठा पारचा की बाल रामलीला है और हैदरगंज की रामलीला है, साहेबगंज की रामलीला है। इन रामलीलाओं में भी विशेष प्रयास रहता है कि विशेष आकर्षण, जैसे कोठा पारचा की राजगद्दी बहुत ही अच्छी होती है, हमारे टकसाल जो रामलीला है वहाँ पे रावण वध, रावण बहुत ही विशाल बनाया जाता है, पूरे जनपद में सबसे बड़ा रावण वहाँ जलाया जाता है। इसी प्रकार हैदरगंज की राम बारात में विविध प्रकार के पात्र बनाए जाते हैं, उनकी राम बारात अच्छी होती है। साहेबगंज की मैदानी रामलीला